the experiences which are very close to us. What do we call those experiences which are very close to us? जो अनुभव हमारे बहुत नजदीक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे आपकी अपनी बुक है, आपकी अपनी डायरी है, आपकी अपनी कॉपी वगैरह है, उसको आप क्या कहते हो? वो आपकी पर्सनल होती है कि नहीं होती है? इसी तरह से कुछ आपके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हाथ खड़े कीजिए, हाँ बताइए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सिट डाउन। वेयर डू यू राइट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस? वेयर डू यू राइट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस? डायरी। वेरी गुड, सिट डाउन। किसमें लिखते हैं आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस? डायरी में लिखते हैं। हु रोट his her personal experiences in this chapter? Who wrote her personal experiences in this chapter? Aap bataiye. Any. Very good, sit down. Any friend. How many types of diaries are? How many types of diaries are? Kitne tarike ki hoti hai diary? हाथ खड़े कीजिए, जिसको भी जो भी आंसर आता है वो बताइए। आप बताओ, एक एग्जाम्पल। हाँ बताओ, दो तीन तरह की, टू और थ्री तरह। ठीक है, सिट डाउन। ठीक है, अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। Experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. Bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook.
नमस्कार, टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज मनीष जी शर्मा से, जो कि संचालक हैं राजस्थान पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के। हम उनसे उनके स्कूल के बारे में जानकारी लेंगे मनीष जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं मनीष शर्मा, संस्थापक राजस्थान पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर। ये स्कूल की स्थापना सन 1994 में की गई थी। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक का अध्ययन कराया जाता है इस विद्यालय में। बोर्ड परीक्षा का परिणाम लगभग 100% रहता है। हमारे यहाँ जितना भी स्टाफ है वो हाईली क्वालिफाइड है और समय समय पर बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं। विद्यालय में अंग्रेजी व हिंदी दोनों ही माध्यम है, जो कि रेगुलर पढ़ाई की कराई जाती है। खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां समय समय पर आयोजित की जाती है। और हमारे विद्यालय में कमजोर व गरीब वर्ग के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था है। कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। प्ले वे मेथड कक्षा नर्सरी से 3rd तक लागू है। थैंक यू सर। हमने जाना मनीष जी शर्मा से उनके स्कूल के बारे में जानकारी।